कोविड महामारी से बचाव के लिए अब सरकार के द्वारा पंचायत स्तर पर भी कोविड 19 टीका लगाने का अभियान शुरू किया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति कोविड 19 वैक्सीन टीकाकरण से छूट ना सके। इसी के चलते आज हमीरपुर के साथ लगती ग्राम पंचायत बल में कोविड 19 टीकाकरण किया गया। बल पंचायत प्रधान प्रकाश चंद ने बताया कि आग्रह के बाद पंचायत घर में ग्रामीणों के लिए कोविड 19 वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को अस्पताल में पहुंचने के लिए असुविधा हो रही थी, जिसके चलते ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पंचायत घर में ही टीकाकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि पंचायत घर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा करीब 150 लोगों का टीकाकरण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत के लोगों से आग्रह किया है कि कोविड 19 से बचाव के लिए चेहरे पर हमेशा मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। इसके साथ ही कोविड 19 की गाइडलाइन को अवश्य अपनाएं, ताकि कोविड 19 से बचा जा सके। ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है और बहुत इसमें बड़ी तत्परता से काम किया जा रहा है, और हमारे विधायक नरेंद्र ठाकुर जी का इसका भी इनका बहुत तत्पर से संज्ञान लेते हैं, और ये लोगों की काफ़ी दिनों से डिमांड थी और ये पूरी हो गई। और आगे मैं आशा करता हूँ कि अभी 18 से एज के ऊपर जो कोविड की वैक्सीन लगेगी, तो उसके भी ऐसे ही कैंप लगाए जाएं, तो ये हॉस्पिटलों में भी रश कम होगा और आपस में लोग जो ज़्यादा मिलते जुलते हैं, डिस्टेंस रख पाते हैं, और यहाँ छोटा एरिया के कम लोगों के होने की संख्या से ये काफ़ी फायदा रहेगा कि इसमें बचाव भी होगा और लोग इंटरेस्ट से लगवाएंगे भी, क्योंकि उनको बाजार में जाने आने की प्रॉब्लम भी है। तो ये सब बहुत अच्छा पहल है सरकार की, और बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं एज ए प्रधान बल पंचायत जी। वहीं टीकाकरण के दौरान पहुंचे ग्रामीण लोगों ने भी पंचायत घर के अंदर व बाहर कोविड 19 कॉल प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए टीकाकरण में हिस्सा लिया। ग्रामीण राजेंद्र राजन ने टीका लगवाने के बाद कहा कि वैक्सीन बहुत जरूरी है और पंचायत घर में ही वैक्सीनेशन की सुविधा मिलने पर जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। दूसरी डोज थी, 42 दिन के बाद मुझे लगा है, और पहली डोज के बाद भी मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ रहा, और ये अच्छी बात है कि मतलब अब साल की भीड़ भाड़ से बचने के लिए मतलब पंचायत में ही ये सरकार ने प्रबंध किया है, जिसका सभी ने स्वागत किया है, और ये एक अच्छा है कि घर द्वार पे जो है सरकार पहुंच रही है। वहीं महिला ने बताया कि टीका लगवाकर बीमारी से बचा जा सकता है। उन्होंने घर के पास ही वैक्सीन लगने पर सरकार का भी धन्यवाद किया। पहली लगी थी 13 मार्च को, तो हमने हॉस्पिटल जाना था, पता चला यहाँ आ गए हम, तो हमारे को आराम मिला है, और हम धन्यवाद करते हैं सरकार का कि वो घर घर पहुँच के सबको सुविधा दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कोविड से बचाव में टीकाकरण का महत्व? क्या चीज बोला? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कहना चाहेंगे टीकाकरण करवाया आपने? टीकाकरण कराया अपने प्रिकॉशन के लिए कि आगे ना हो किसी को, और बचने के लिए कराया कि बीमारी से बचे रहेंगे, और हम बचेंगे तो हमारे परिवार भी बचेगा, हमारे कॉन्टेक्ट में आने वाले सारे बचेंगे, इसलिए कराया, और पूरा समाज बचेगा, भारत बचेगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग की कर्मी ने बताया कि सुबह से वैक्सीन लगवाई जा रही है और इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर लोगों की डिमांड थी कि घर द्वार जो है ये हमें वैक्सीनेशन हो, तो ग्राम पंचायत बल में रखने की ये बोल रहे थे जी ने, तो इसलिए लोगों की इच्छा पर जो है हमने यहाँ पर आज 28/4 को यहाँ पर कैंप रखा जी।